एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। व्यापारी के घर में धन धान्य की कोई भी कमी ना थी, लेकिन व्यापारी फिर भी बहुत उदास रहता था। और इसका कारण था कि उसके कोई भी औलाद नहीं थी। वह इस चिंता में चिंतित रहता था कि उसके मरने के पश्चात उसका इतना बड़ा व्यापार कौन संभालेगा और इस दौलत का क्या होगा। वह पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार का व्रत किया करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा किया करता था। व्यापारी के भक्ति भाव को देखकर माँ पार्वती बेहद प्रसन्न हो गई और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, ये व्यापारी आपकी इतनी पूजा पाठ करता है, कृपा आप इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी हट कर बैठी और भगवान शिव से आग्रह करने लगी। माता पार्वती के आग्रह पर शिव भगवान व्यापारी के सपने में आए और उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। अत उसे ये भी कहा कि उसके बालक की आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। भगवान के वरदान से व्यापारी खुश तो हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ समय के बाद व्यापारी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। बालक 12 वर्ष का हुआ तब उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा जाने लगा। व्यापारी ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करवाना। जहाँ भी यज्ञ करवाओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन करवाते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करवाते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। नगर को बेहद सुंदर सजाया गया था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आग से काना था। राजकुमार के पिता को यह डर था कि अगर राजा को यह बात पता चली कि राजकुमार की एक आंख खराब है तो वे शादी से इनकार कर देगा और हमारी बेहद बदनामी होगी। अंत उसने एक चाल चली। उसने व्यापारी के पुत्र को देखा और सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह उपरांत इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने इस विषय में लड़के के मामा से बात की। लड़के का मामा पैसों के लालच में यह बात मान गया। व्यापारी के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। व्यापारी के पुत्र को यह बात न्याय संगत नहीं लगी। अंत जब वह लौट रहा था तो उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो काशी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वे एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने ओढ़नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर व्यापारी का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 16 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। वे अपने शयन कक्ष में सो गया। भोलेनाथ के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा,
स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव और माता पार्वती ने समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ बोले, पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है, मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई है। लेकिन ममता के मोह में बहकर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयुदान देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा समाप्त करने के बाद लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। राजा ने लड़के को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा लड़के और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है अथवा सोमवार व्रत की कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सोमवार व्रत की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।